ट्रैवल विद हरी शर्मा के आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा हिमाचल की शिवालिक की पहाड़ियों के बीच बनी मनुष्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी झील पर जो कि चंडीगढ़ की शान है। हाँ, आज मैं आपको लेके जाऊंगा तलहटी में बनी हुई चंडीगढ़ की खूबसूरत सुखना लेक पर। सुखना लेक चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में पड़ती है और बहुत खूबसूरत झील है। झील की एंट्रेंस पर ही आपको एक कैफे मिलेगा, एक नहीं बहुत से कैफे मिलेंगे और सिटिंग प्लेस मिलेगी। यहाँ आप बैठकर एंजॉय कर सकते हैं और पास ही में है बच्चों का पार्क। अगर आप बच्चों के साथ घूमने आ रहे हो तो बच्चों को भी सुखना लेक निराश नहीं करेगी। यहाँ पे आपको बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए बहुत सी राइड मिल जाएंगी जिसकी के रेट और टिकट्स अलग से दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी राइड चूज करके अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हो। सुखना लेक पे आप पैदल भी घूम सकते हो और घूमने के लिए इलेक्ट्रिकल कार भी ले सकते हो। ये आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आप सुखना लेक को कैसे एक्सप्लोर करोगे। मैंने इस लेक को देखने के लिए एक इलेक्ट्रिकल कार ली थी जिसका एक्सपीरियंस है और लफ्जों में बयान करना संभव नहीं है। सुखना लेक का ट्रैक 3 किलोमीटर का है जिस पे आप सुबह शाम लोगों को ट्रैकिंग करते हुए आसानी से देख सकते हो। सुखना लेक पे पहले गार बहुत आया करती थी क्योंकि पहाड़ी का पानी इसमें डायरेक्ट पड़ता था, लेकिन बाद में इस गार को रोकने के लिए 2 से 4 वर्ग एकड़ का जमीन परचेज की गई और वहाँ पे एक खूबसूरत बाग लगाया गया और पानी को डाइवर्ट करके साफ पानी सुखना लेक में डाला गया। अब सुखना लेक में पानी बिल्कुल स्वच्छ और साफ मिलता है। सुखना लेक के साइड में बहुत से पत्थरों से बहुत खूबसूरत निकासी की हुई है जिसका एक्सपीरियंस अलग से आप ले सकते हो। सुखना लेक के पास एक सुसाइड पॉइंट भी है। ये पॉइंट बहुत ही खूबसूरत है। पहले लोग यहाँ पे जाकर कूद कर सुसाइड करते थे, इसलिए अब इस पे जाना बैन कर दिया गया है। अब आप बाहर से ही इसके ऊपर फोटो खिंचवा सकते हो मगर इसके अंदर नहीं जा सकते। सुखना लेक का सबसे बेहतरीन पॉइंट है यहाँ की बोटिंग। यहाँ पे आपको बहुत तरह के बोट्स और राइड्स, पानी वाली राइड्स मिल सकती हैं जिसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ की बोटिंग का एक्सपीरियंस आप श्रीनगर की डाल लेक के एक्सपीरियंस के साथ भी टैली करा सकते हो क्योंकि यहाँ पे वो सारी बोट्स इतने कम दाम पे मिल जाती है जो कि आपको वहाँ जाकर बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद मिलती है। मैंने भी यहाँ पे एक बोट राइड की थी जिसका एक्सपीरियंस मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अगर आप सुखना लेक आए और बोट राइडिंग ना करें तो सुखना लेक में आना आपका बेकार हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको लोकेशन के रिगार्डिंग ऐसी ही वीडियो दिखाता हूँ। और बने रहें हमारे साथ किसी नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।